तो फिर भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत फिर से सरकार को नीतीश कुमार जी को पलटी कराकर और कहीं ना कहीं सरकार को पीछे धकेलने का काम किया। आज हमारी सरकार होता, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार होता, आज लाखों युवा को फिर से नौकरी मिल गया रहता। अपने आप को मजबूत करिए, एक एक गांव में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए और संदेश लेके जाइए कि हम आने वाला फेरे के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन पर। करीब 24 घंटे पहले मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा हुए, तेजस्वी यादव ने अपने हिस्से की 3 सीटें उनको दी, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव के साथ बिहार में जो है चुनावी माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी पहुंचे हैं बिहार के जमुई, जहां पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। उन 4 सीटों में से एक जमुई लोकसभा सीट है, जहां से चिराग पासवान के जीजा इस बार चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ RJD ने अपना कैंडिडेट उतारा है। ऐसे में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मुकेश सहनी ने जोरदार हमला बोला। मुकेश सहनी ने वहां पर कहा कि अगर हक की बात नहीं करते हो तो बेहतर है कि मर जाओ। तेजस्वी यादव के सामने मुकेश सहनी ने हुंकार भरते हुए और क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने अपने वोटरों को एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ और केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट देने की अपील की है, सुनवा। अगर खाने के लिए जिंदा हो तो तुम्हें आज ही का आज मर जाना चाहिए। अगर इस संसार में हो तो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करो और लड़ाई लड़ो साथियों। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार पे चलने के लिए आए हैं। आज हमारे पूर्वज ने लाखों की संख्या में अंग्रेज से लड़ाई लड़कर ये देश को आजादी दिलाया साथियों। पूरे 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा तब जाके देश आजाद हुआ और आज आजाद भारत में चलने का काम कर रहा है साथियों। बड़े लोगों ने इसलिए साथियों हमें संघर्ष करना है। मैं एक बचपन में जन्म लिया, संघर्ष किया, गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था और संघर्ष के बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुंचा। संघर्ष किया, अपने लोगों को जागरूक किया। आपने देखा हमारे पास 4 विधायक बनाया था, हम मंत्री भी बने, अपने दम पे बने, हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन लोगों ने देखा एक गरीब का बेटा, एक गरीब मछुआरा का बेटा हमारी बराबरी कर रहा है। उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। आज आपने देखा कि किस तरीके से जब महागठबंधन का सरकार बना तब तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के लिए काम करने लगे, जातिगत जनगणना करने लगे, एक राज्य में युवा को नौकरी देने लगे। तो फिर भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत फिर से सरकार को नीतीश कुमार जी को पलटी कराकर और कहीं ना कहीं सरकार को पीछे धकेलने का काम किया। आज हमारी सरकार होता, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार होता, आज लाखों युवा को फिर से नौकरी मिल गया रहता। लेकिन खास करके भाजपा सरकार नहीं चाहता है कि खास करके गरीब को नौकरी मिले। तो इसलिए साथियों इस समय है लड़ने का। एक एक युवा साथी अपने आप को मजबूत करिए, एक एक गांव में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए और संदेश लेके जाइए कि हम आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ताना साथ जो